वो दूर सबसे ऊंची एक पहाड़ी देख पा रहे हो जिनके चोटी बादलों के अंदर छुपे हुए? वही है पारसनाथ हिल्स, जहां आज हम ट्रेक करके चढ़ने वाले पारसनाथ मंदिर दर्शन कर रहे हैं। इंडियन स्टेट झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये हिल रेंज सिर्फ झारखंड के ही सबसे ऊंची पहाड़ी नहीं है, बल्कि ये हिमालय के दक्षिणी भाग के सबसे ऊंची पहाड़ी भी है। इतना सुकून हमें यहाँ पहुँच के मिला कि इस रोमांचक ट्रेक का थकान उसके आगे कुछ भी नहीं था। मतलब टोटली सनरेज नहीं पहुँच रहे, इतना डेंस फॉरेस्ट है। तो ट्रेक शुरू करने से पहले एक झलक देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे और किस किस तरह से यहाँ पहुँचा जा सकता है। हम लोग अपने जर्नी बाई रोड कोलकाता से शुरू किए और कल ऑन द वे सबसे पहले धनबाद के मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल भतिंडा को एक्सप्लोर किए। फिर दोपहर के बाद तोपचाची लेक का एक चक्कर लगाकर शाम होने से पहले मधुवन पहुंचे, जो कि है इस ट्रैक का बेस्ट टाउन। और इस जगह का गूगल लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आप कहीं से भी बाय रोड आना चाहो तो उसे फॉलो करके आ पाओ। अगर आपको बाय ट्रेन आना है तो पारसनाथ स्टेशन पे उतरना होगा, जहाँ से बस या ऑटो पकड़ के 24 किलोमीटर दूर मधुबन पहुँचना है। मधुबन में बहुत सारे धर्मशाला है, जिनमें से किसी एक में नाइट स्टे करके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ट्रैक शुरू करना है। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 6:30। अभी हम लोग ये मधुबन का जो गेट है, मतलब जहाँ से पारसनाथ ट्रैक शुरू होता है, वहाँ के पहुँचे हैं। और यहाँ से मंदिर दिखा रहा है 9.65 किलोमीटर। तो हम लोग ट्रैक शुरू करने वाले हैं। मैं, इमरान, आकाश और रिपोन, हम चारों ट्रैक करके जाने वाले हैं। दिबेंदुदा एंड रमीज वो लोग बाद में बाइक्स पे आएंगे। मतलब यहाँ से दोनों चीज़ों का सुविधा उपलब्ध है, मतलब आप बाइक से भी जा सकते हो। और ये पास में जो रास्ता है, यहाँ से बाइक जाते हैं और ये सीधा जाते हैं, पैदल जाने का रास्ता। अगर बाइक पे जाना है तो वो यहीं से मिल जाएंगे आपको। क्रोध मूर्खता से शुरू होते और पश्चाताप पर खत्म होते। ट्रैक शुरू करके लगभग हम लोग 1 किलोमीटर आ चुके हैं और ये जंगलों के अंदर से होते हुए जाना पड़ रहा है। आसपास कुछ अलग ही माहौल है, मतलब पूरा सन्नाटा है, सिर्फ ये जंगल और कुछ जंगली पंछियों के कलकारियों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़े थोड़े करके ना, मतलब हवा चल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ये ट्रैक करते हुए। गेट के वहाँ पे दिखा रहा था कि दो अलग अलग रास्ते हैं, एक ट्रैक के और एक बाइक्स जाने के लिए, लेकिन ये ट्रैक के रूट से ही अभी बाइक्स जा रहे हैं। और पूछने पर पता चला कि आगे जाकर, मतलब यहाँ से और 2 किलोमीटर आगे, वो रास्ता अलग हो जाएगा, मतलब बाइक्स का रास्ता अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो पहले का 3 किलोमीटर, ये लोग बाइक पे आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पड़ता है। हाथी झुंड के पास ना जाए, वन विभाग को तुरंत बताए। बीच बीच में ऐसे शेल्टर लगा हुआ है, तो बारिश आ जाए या कुछ तो आप शेल्टर ले सकते हो। मतलब हर चीज का सही से ख्याल रखा गया है। अभी लगभग 1.5 किलोमीटर करीब आ चुके हैं और यहाँ पे ना ये इंक्लाइनेशन थोड़ा सा ज्यादा है। एग्जैक्ट 2 किलोमीटर चलने पर ऑन द वे ये एक मंदिर देखने को मिलेगा, श्री कालीकुंड तीर्थधाम। जैन धर्म के अनुगामियों के लिए ये पारसनाथ पहाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान में से एक है, और जिनके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हुए विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये कुछ संथाल जनजाति के लोगों के घरे दिखेंगे आपको। ये लोग इन पहाड़ों के आदि जनजाति हैं, जो सालों से यही रह रहे। हम लोग जिसे पारसनाथ हिल्स के नाम से जानते हैं, इसे ये लोग मरंगबुरु के नाम से बुलाते। मिड अप्रैल में यानी बैसाखी पूनम के रात ये लोग इन जंगलों में एक हंटिंग फेस्टिवल भी मनाते। ट्रैक शुरू करके लगभग 3 किलोमीटर आ चुके और यहाँ पे एक तिराहा है जहाँ से बाइक वाले रास्ता डाइवर्ट होते हैं। ये देखो पीछे इस तरफ का जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है बाइक का रास्ता। मतलब जो लोग ये ट्रैक रूट फॉलो करके बाइक से आ रहे थे, उन्हें यहाँ से डाइवर्ट होना है। और ये हमारे पीछे ये जो मार्ग जा रहा है, ये है पैदल मार्ग। मतलब यहाँ से और 6 किलोमीटर है टॉप तक। साढ़े 5 किलोमीटर और बाकी है टॉप तक पहुंचने में। तो बीच बीच में ऐसे ना, मतलब छोटे छोटे दुकानें हैं जहाँ पे वाटर बॉटल्स, कुछ फास्ट फूड वगैरह एंड ये नींबू पानी वगैरह, ये सब मिल जाते हैं आसानी से। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़े ही पहले तक भी मतलब धूप था, और अभी देखो मतलब पूरा क्लाउड हो चुका है। बारिश ना हो यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि बारिश होने पर तो मतलब पूरे भीगने वाले हैं हम लोग। 5 किलोमीटर आ चुके हैं और ये जंगल देखो कितना घना है।
मतलब टोटली सनरेज नहीं पहुंच रहे, इतना डेंस फॉरेस्ट है, कभी भी धूप निकल रहा है और कभी भी क्लाउडी हो रहा है, वेदर यहाँ पे टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। बस ये डर है कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास गजेट्स हैं दो, हम लोग अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अम्ब्रेला के साथ आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। ट्रैक लगभग मॉडरेट ही है, मतलब अभी तक 5 किलोमीटर आ चुके हैं, बट फिर भी तकलीफ उतना ज़्यादा हम लोग कुछ महसूस नहीं कर पा रहे। कई सारे मंकीज है जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, मतलब आपके हाथ में अगर कैमरा बैग वगैरह है तो थोड़ा सा कॉशस रहना है। ये फिर से एक संथाल गांव के पास पहुंचे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग 6 किलोमीटर आ चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ से रास्ता दो तरफ डिवाइड हो रहे हैं, उस बारे में बताते हैं थोड़े देर में। यार जगह देखो, मतलब यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कुछ पुराने मंदिर टाइप्स का है, पास में ही एक नन्हा सा वाटर स्ट्रीम भी बह रहा है। कुल मिला के इस जगह का एम्बियंस बहुत ही रोमांचक है। हाँ, तो अभी मैं जो बता रहा था रास्ता दो साइड में डिवाइड होने के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 6 किलोमीटर चलने के बाद एक रास्ता डायरेक्ट जाते है परशनाथ मंदिर, जिनके डिस्टेंस है वहां से 3 to 3.5 किलोमीटर, और दूसरा जा रहा है गौतम स्वामी मंदिर, उनका भी डिस्टेंस है वहां से 3 किलोमीटर। रास्ते को हमने ऑप्ट किए हैं क्योंकि इस रास्ते से होकर हम लोग गौतम स्वामी और जल मंदिर होकर फिर परशनाथ मंदिर पे पहुंचेंगे, और वो दूसरा रास्ता अगर हम ऑप्ट करते तो वो सीधा परशनाथ मंदिर पे पहुंचता, लेकिन हमें ये सब कवर करते हुए जाना है, इसीलिए हमने ये दूसरा रास्ता चुना। इससे सुविधा ये होगा कि एक सर्कुलर वे में हम लोग पहले गौतम स्वामी, फिर जल मंदिर, फिर परशनाथ होके परशनाथ के नजदीक से ही बाइक राइड लेकर वापस लौट पाएंगे। और हाँ, आप अगर सिर्फ परशनाथ मंदिर ही विजिट करना चाहते हैं तो वो वाई पॉइंट के वहां से राइट का रास्ता लीजिएगा, उसी में ही फायदा है। वहां पे है मधुबन शहर, और ये जंगलों के अंदर से ऐसे ऐसे होते होते हुए हम लोग यहां तक पहुंचे, अभी करीब 8 से 8.5 किलोमीटर आ चुके हैं। तो ये हम पहुंचे गौतम स्वामी मंदिर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, उनमें से 20 तीर्थंकरों के मोक्ष प्राप्ति इसी परशनाथ पहाड़ी पे हुआ था। और ये जो व्हाइट कलर के छोटे छोटे मंदिर के आकार का दिखाई दे रहा है, यही है उन तीर्थंकरों के समाधि स्थल। और इन छोटे मंदिरों के अंदर उन तीर्थंकरों के चरण पदुका रखे हुए हैं। यहाँ से देखिए वो दूर सम्मेत शिखर जी, जैन धर्म के लोग इन्हीं नाम से बुलाते हैं इस परशनाथ पहाड़ी को। यह है गौतम स्वामी, और हम लोग इस रास्ते से चढ़कर ऊपर आए हैं, और अभी यहाँ से हमें जल मंदिर की तरफ जाना है। गौतम स्वामी मंदिर के यहाँ से अभी हम लोग ये नीचे जल मंदिर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है नीचे। अच्छा अच्छा, जो है न, हाँ, जल के जैसे साथ में जल है, जल है, बीच में मंदिर है। अच्छा अच्छा, मूर्ति है। पूजा सिर्फ ये एक ही मंदिर पे होता है। वैसे सबसे अच्छा टाइम कौन सा है यहाँ पे आने का? तो अभी देखो कत्रुक सावन सप्तमी था, हाँ, लगभग वो लगभग मैंने 4-5 हजार आदमी आया। जल मंदिर, इस पूरे परशनाथ पहाड़ी पे ये एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे जैन धर्म के 2400 तीर्थंकरों के पूजा किए जाते हैं। इस मंदिर को जल मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके चारों साइड में पानी है और बीच में है मंदिर, और यहाँ पे पानी 365 डेज पहाड़ों से ही आते हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे और हम लोग खड़े हैं ये जल मंदिर के सामने, अंदर प्रेयर चल रहे हैं। थोड़ा सा जाने का मौका मिला था, यहाँ पे कुछ अच्छे टाइम बिताए, अब परशनाथ मंदिर जाने की बारी क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं। अब यहाँ से हमें परशनाथ मंदिर तक लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करना है। बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हम लोग। वो दिखाई दे रहा है परशनाथ मंदिर, बस अब ज्यादा दूर नहीं है। परशनाथ मंदिर के टॉप पे आ चुके हैं, और थोड़ा खाली खाली सा है क्योंकि लगभग 3:30-4 बज रहे, और मतलब वेदर कितना मस्त है। देखो आसपास के सारे टीले यहाँ से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये सबसे ऊपर है।
कितना सही हवा बह रहा है, एक अलग ही माहौल है यहाँ पे। परशनाथ भगवान जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 23वां तीर्थंकर थे। वो इकलौता तीर्थंकर थे जिन्हें काली कल्पतरु उपाधि मिला था। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था वाराणसी में, और वो 22वां तीर्थंकर नमीनाथ जी के शिष्य थे। उन्होंने इसी मंदिर के नीचे अवस्थित एक चट्टान के ऊपर बैठ के साधना किए थे, और इसी पहाड़ी पे उन्होंने सावन के शुक्ला सप्तमी के दिन मोक्ष प्राप्त किए। तो हर साल उसी दिन यहाँ पे मेले लगते हैं धूमधाम से, 1 क्विंटल लड्डू के भोग भी चढ़ाया जाता है। और हाँ, इस मंदिर में पूजन नहीं होते, सिर्फ शाम को आरती होते हैं। वीडियो के बीच में आपने देखे परशनाथ भगवान जी के जो मूर्ति है वो विवस्त्र है। जैन धर्म में दो भागे, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। इनके अनुगामी पुरुषों में से जो सन्यास लेते हैं उन्हें इस जगत के सारे संसारिक चीजों को यानी लोभ, काम, क्रोध, संपत्ति सब कुछ त्यागना पड़ता है। जो दिगंबर है वो इसे इस कठोरता से मानते हैं कि वो अपने वस्त्र भी त्याग देते हैं, और जो श्वेतांबर है वो एक श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। परशनाथ भगवान के यहाँ माथा टेक के अब नीचे उतरना है। और नीचे उतरने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। जो बाइक आते हैं नीचे से वो उस हेलीपैड तक ही आते हैं, मतलब लास्ट के ये 1.5 किलोमीटर आपको पैदल ही आना है। आप डोली से भी आ सकते हो। वैसे आप लोगों का ये डोली का चार्जेस कितना रहता है? 1 किलो 49 किलो तक आपको पड़ जाएगा 2900। अच्छा अच्छा अच्छा। और 49 से 69 तक आपको पड़ जाएगा 3600 रुपया। अच्छा। और 70 के 100 हो जाएगा तो फिर आपको 5200 रुपया लग जाएगा। वजन के हिसाब से मतलब सब कुछ, भीड़ ज्यादा है तो भी सेम रेट रहेगा? भीड़ के टाइम कोई निश्चित नहीं है, फिर रेट फूट नहीं चलेगा, फिर जो मांगेगा वो देने। जनरल टाइम पे ये रेट फिक्स है। वो भीड़ का टाइम ज्यादातर कौन सा टाइम रहता है चाचा? ये दिवाली के टाइम। दिवाली के टाइम सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा भीड़ हो गया, दिवाली हो गया, छठ पूजा में और दिवाली में सबसे ज्यादा भीड़। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो हरा भरा रूप है कुदरत का, इनके जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाएगा बहुत जल्द, अगर हम इस तरह के बर्ताव करते रहे तो। पूरे रूट में कई जगहों पे ये चीज दिखे हमें, जहाँ बहुत जगह पे डस्टबिन है जिनको हमें यूज करना है। कई लोग यूज कर भी रहे और हम में से ही कईयों से भी गलतियां भी हो रहे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक भी प्लास्टिक कुदरत के गोद में गिरने नहीं देना है। तो फाइनली इस वीडियो को करते हैं यही पेंट। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हो। अगर अच्छा लगे तो क्या करना है पता ही आप लोगों को। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।